सब खतरे में हैं। टैटू के शौकीनों के लिए खबर, अगर आप टैटू के दीवाने हैं तो संभल जाइए, क्योंकि टैटू का ये फैशन जानलेवा साबित हो सकता है। आप भी अगर टैटू बनवाने की सोच रहे हैं तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि टैटू बुदवाने से पहले एक बार नहीं हजार बार सोच लीजिए, क्योंकि एक रिसर्च में ये सामने आया है कि फैशन वाला टैटू मौत दे सकता है। तो आज हम आपको लाइव स्पेशल में टैटू से होने वाली खतरनाक बीमारियों के बारे में बताएंगे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। टैटू बनवाना ये कोई बहुत नया प्रचलन नहीं है। पुराने जमाने में तो इसे इस तरह से लिया जाता था कि ये कुछ ऐसे निशान हैं जो जिंदगी के साथ तो हैं ही, जिंदगी के बाद भी इन्हें अगले जन्म में भी आपके साथ बने रहेंगे, और कई लोग ओम और श्री और इस तरह के कई ऑस्पिशियस चीजें हैं जिन्हें गुदवाते थे। कई लोग अपने नाम स्त्रियां अपने पतियों के नाम इस तरह की चीजें करवाते थे। सबसे पहले मैं अकेला बोले जा रहा हूं, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनको इंट्रोड्यूस भी करा दूं। डॉक्टर रोहित बत्रा मेरे साथ मौजूद हैं, देश के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन से जुड़ी हुई बीमारियों के विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर बत्रा सबसे पहले आपका। माय प्लेजर। और अब मैं आपको बताता हूं कि आज ये खास पेशकश का मकसद क्या है। मकसद बहुत साफ है। अभी आप अगर बड़े शहरों में किसी मॉल में जाते हैं तो आप देखेंगे छोटे छोटे से काउंटर्स बने हुए हैं, कैबिन बने हुए हैं, जिसमें आपको टैटू गुदवाने के लिए बहुत ही आकर्षक उपहार। आप ये देखिए कि वहां पर लोगों की जबरदस्त लाइन भी लगी हुई है। आप जब स्टार्स को देखते हैं तो आप देखते हैं किस्म किस्म के टैटूज उन्होंने अपने शरीर पर गुदवा रखे हैं। टैटू बनवाने में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो वो साबित हो सकता है मौत का टैटू। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि जागरूक करना है। डॉक्टर्स कहते हैं कि टैटू बनवाते वक्त अगर एहतियात नहीं बरती जाए तो आप एड्स जैसी बीमारी के चपेट में भी आ सकते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस, टीबी, ये कुछ और बीमारियां हैं जो आपको जकड़ सकती हैं। टैटू कहीं मौत का टैटू ना बन जाए। अपना ख्याल रखिए, टैटू बनवाने से पहले 100 बार सोचिए। डॉक्टरों की माने तो टैटू बनवाते वक्त अगर सावधानी ना बरती जाए तो इससे हेपेटाइटिस और एचआईवी के वायरस आपके शरीर में घुस सकते हैं। दरअसल टैटू बनाने में जिस नीडल का इस्तेमाल होता है सारी गड़बड़ उसी में होती है। एक्चुअली 3 वायरसेस हैं जो नीडल से स्प्रेड होता है, खून या नीडल से। तो उसमें एक एचआईवी है, एक हेपेटाइटिस बी है और एक हेपेटाइटिस सी है। तो ये एक्चुअली खान पान से नहीं प्रवेश करता शरीर में, ये यूजुअली कहीं पर बॉडी पियर्सिंग से होता है। और ये जो टैटू की आजकल कल्चर चली हुई है बोलना, उससे अगर मान लीजिए वो नीडल कहीं इन्फेक्टेड हो किसी का और वो ठीक से साफ ना किया हो तो ये एक माध्यम होता है शरीर में प्रवेश करने का। फैशन के इस दौर में नौजवानों का टैटू की तरफ आकर्षण तेजी से बढ़ा है। जिस्म पर तरह तरह के टैटू बनवाना नए फैशन में शामिल हो चुका है, लेकिन इस कल्चर में सावधानी की जरूरत है। खास तौर से आम जगहों पर और रोड साइड टैटू बनाने वालों से परहेज करना चाहिए ताकि हेपेटाइटिस और एचआईवी जैसे खतरनाक वायरसों से बचा जा सके। एक्चुअली जो अपर एंड टाइप के शॉप्स होते हैं ना, टैटू शॉप्स, देखिए वहाँ पर जहाँ पर आजकल रिच लोग जाते हैं तो ऑब्वियसली वो प्रिकॉशंस लेते होंगे कि वो फ्रेश नीडल्स यूज करते होंगे। बट ये संभव है कि कई जगह जैसा रास्ते के किनारे कहीं पर अगर टैटूइंग हो रहा हो और उतनी सावधानी अगर न इस्तेमाल हो तो ये समाज में हेपेटाइटिस बी या सी या एचआईवी का स्प्रेड करने का एक माध्यम बनता है। टैटू बनवाना जितना फैशनेबल है उतना ही जोखिम भरा भी। हमारा मकसद है कि SCPGI के रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं, उन पर आप ध्यान दें और ऐसी बीमारियों से बच सके जो टैटू गुदवाने से हो सकती है। फरमान अब्बास मंजुल, लाइव इंडिया, लखनऊ। इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर बत्रा तो मेरे साथ बने ही हुए हैं, साथ ही साथ SGPGI लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर उदय सिंह घोषाल भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर घोषाल, आपका भी बहुत स्वागत है लाइव इंडिया पर हमारे इस खास पेशकश में। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं डॉक्टर घोषाल, इस रिसर्च का मकसद क्या था, कैसे जहन में आया कि इसके बारे में सोचा जाना चाहिए, टैटूज खतरनाक हो सकते हैं? ये देखा गया कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV जिससे एड्स होता है, ये वायरसेस नीडल प्रिक से हो सकता है। उसका मतलब कोई आदमी का अगर ये हेपेटाइटिस बी सी के HIV है, वो देखने में तो बिल्कुल हेल्दी लग सकता है, बट उनका शरीर में पहले ये नीडल इस्तेमाल किया गया
एंड उसके बाद वही नीडल दूसरा हेल्दी मरीज जिनको ये बीमारी कोई भी नहीं है उनमें इस्तेमाल किया गया तो ये वायरस उनका शरीर में घुस सकता है, जिससे हेपेटाइटिस बी सी ये दोनों जो वायरसेस है लिवर को डैमेज करता है एंड एचआईवी और एड्स जो बॉडी का प्रतिरोध क्षमता उसका मतलब इम्यूनिटी को डैमेज करता है ये हो सकता है। डॉक्टर घोषाल आप हमारे साथ बने रहे, मेरे साथ देश के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित बत्रा भी बने हुए हैं। डॉक्टर बत्रा, सीधे सीधे त्वचा से जुड़ी हुई चीज है ये, क्योंकि जो कुछ हो रहा है आपकी त्वचा के साथ हो रहा है, कुछ परेशानियां जो बड़े पैमाने पर हो सकती हैं वायरसेस वो डॉक्टर घोषाल ने भी बताया, त्वचा के लिए क्या ये खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरह हमारे डॉक्टर मित्र ने बताया कि अगर बॉडी के अंदर आप स्किन के थ्रू कोई भी वायरस अगर एंटर कर जाएगा तो वो सारी बॉडी में फैल जाएगा, और जिस तरह हमने बताया कि जिस तरह एचआईवी का वायरस है, जिस तरह हेपेटाइटिस बी का वायरस है या टीबी इन्फेक्शन है, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक से दूसरे को फैलती हैं, और अगर आपकी एक ही नीडल जो पहले किसी और व्यक्ति के ऊपर इस्तेमाल की गई है जिसको वो इन्फेक्शन था या उसको वो बीमारी थी और फिर आप उसी दुकान पर जाके उसी नीडल से टैटू बनवाते हैं तो ये बीमारी आप में भी आ सकती है। ना केवल बीमारियां और इन्फेक्शन इस तरह आप में फैल सकते हैं, साथ ही साथ जो कि डाई होती हैं, जिस तरह की लाल रंग है, काला रंग है, नीला रंग है, टैटू के अंदर जितने प्रयोग होते हैं उनसे आपको कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस या फिर ऐसी कोई बीमारियां जिससे ग्रेनुलोमा बन सकता है आपकी स्किन के ऊपर, और जहां आप एक सुंदरता के लिए या किसी चीज के लिए आप टैटू बनवाने गए थे आपको बहुत महंगा सौदा साबित हो सकता है। इसलिए अगर मैं तो ये राय दूंगा आजकल, क्योंकि हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि जो कि जोश जोश में टैटू बनवा तो लेते हैं पर बाद में उससे निजात पाना चाहते हैं, वो आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब किस तरीके से इसको मिटाया जा सकता है, क्योंकि ये जो टैटू की इंक्स होती है ये स्किन के अगर ऊपरी लेयर्स के अंदर जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं उसके अंदर रहें तब तो आसानी से निकाली जा सकती हैं, इनका इलाज किया जा सकता है, पर अगर ये डर्मिस जो कि डीप लेयर्स हैं स्किन के उसके अंदर जाकर अगर इंक रखी जाए तो इन्फेक्शन का खतरा तो और ज्यादा बढ़ ही जाता है। साथ ही साथ जो जितने भी लेजर्स हैं और टेक्निक्स हैं हमारे पास उनसे भी इनसे पूरी तरह से इसे निजात पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लेजर्स भी डीप डर्मिस में जाके कई बारी ऐसे इंक्स यूज की जाती हैं जो कि नहीं ठीक कर पाते हम लोग। तो इसलिए अगर आप बनवाना चाहते भी हैं तो एक अच्छी जगह से बनवाएं, साथ ही साथ एक नई नीडल का प्रयोग करें ताकि आपका किसी का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एंटर ना करे। सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत जो होते हैं ऐसे लोगों के लिए जिन्हें टैटू बहुत पसंद होते हैं वो यही तस्वीरें जो साथ में चल रही हैं, कई फिल्म स्टार्स हैं जिन्हें आप देखते हैं कि वो टैटू गुदवा कर रखते हैं और फिर धीरे धीरे ये प्रचलन ये कल्चर आगे बढ़ता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में ये फैशन और ज्यादा मशहूर है। हम देखते हैं बैकम पूरे शरीर पर अपने उन्होंने टैटू गुदवा रखे हैं, या मैकुलम जो न्यूजीलैंड के स्टाइलिश बल्लेबाज हैं उन्होंने अपनी पूरी बॉडी पर पूरे हाथ पर टैटू गुदवा रखे हैं। तो इस तरह खिलाड़ियों में फिल्म स्टार्स में इसका प्रचलन बहुत होता है जिससे आम लोग बहुत प्रेरित होते हैं, लेकिन इस चक्कर में आप कितनी बड़ी मुसीबत को मोल ले सकते हैं ये आज हम आपको बता रहे हैं। एक नजर डालते हैं उन बीमारियों पर, उन परेशानियों पर जिनकी चपेट में आप आ सकते हैं ये टैटू गुदवाने की वजह से, एक नजर उन बीमारियों पर भी डालते हैं। सबसे पहले जैसा डॉक्टर बत्रा ने बताया त्वचा संबंधी कई बीमारियां हैं जिनसे आप ग्रसित हो सकते हैं, और जैसा डॉक्टर घोषाल ने शुरुआत में आपको बताया हेपेटाइटिस बी और सी ये दोनों के खतरनाक बैक्टीरिया इस जरिए आपके शरीर में जा सकते हैं। टीबी, एड्स ये वो खतरनाक बीमारियां हैं जिनकी आप चपेट में आ सकते हैं सिर्फ इस टैटू के शौक को पूरा करने के चक्कर में अगर सावधानी नहीं बरती गई है। जाहिर सी बात है आगे कैंसर, इन्फेक्शन, एलर्जी, सूजन ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो इनकी वजह से हो सकती है। टैटू गुदवाने के लिए इलेक्ट्रिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, आप में से बहुत लोगों को इसका एक्सपीरियंस होगा या लोगों ने देखा होगा। नीडल्स होती हैं, कुछ सुइयां होती हैं जिनसे स्किन पर टैटू को डिजाइन किया जाता है। एक सेकंड में टैटू गूदने वाली नीडल्स 80 से 150 बार चलती है। ये वो तरीका है जिससे टैटू बनाए जाते हैं, और ये
इसी तरह वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का माध्यम भी बन जाते हैं अगर निडिल चेंज नहीं की गई। हमने देखा जागरूकता इस बात को लेकर तो होती है कि आप जब ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आप जब सुई इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तब आप चेक करिए कि निडिल चेंज की गई है, स्टरलाइज की गई है, नहीं की गई। लेकिन जब टैटू बनवाने जाते हैं तब किसी को ये पता ही नहीं होता है कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी। इनफैक्ट आप अगर बार्बर शॉप पर जाते हैं और वहां पर आप दाढ़ी वगैरह शेव करवाते हैं तो ये कहा जाता है ब्लेड चेंज हुआ नहीं हुआ, लेकिन टैटू के लिए जागरूकता नहीं, क्योंकि टैटू नया फैशन है या अभी अभी बढ़ रहा है। तो हम आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर घोषाल भी हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि एसजीपीजीआई लखनऊ ने यह रिसर्च की है। डॉक्टर घोषाल, अभी सभी के जहन में सवाल यह आ रहा होगा कि क्या इसके सिर्फ दुष्प्रभावों को देखते हुए यह रिसर्च किया गया है या ऐसी कुछ केस स्टडीज भी सामने थी जिनके साथ टैटू के दुष्प्रभाव सामने आए हो? नहीं, ये तो पहले से ही पता है, काफी सालों से, काफी डिकेड से जे टैटूइंग से हेपेटाइटिस बी सी और एचआईवी का स्प्रेड होता है। लेकिन ये बात सही है दैट हमारा पास जैसे आउट पेशेंट में काफी सारा मरीज आता है जो हेपेटाइटिस बी और सी लेके आता है, एंड जब हम उनको पूछते हैं एक प्रोपोर्शन में एक्चुअली मिलता है या और कोई सोर्स नहीं मिला, जैसे उनको कभी पहले कोई सर्जरी नहीं हुआ, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन उन्होंने नहीं लिया, लेकिन क्या है उन्होंने टैटूइंग कराया एंड उसी से फिर ट्रेस किया जाता है जे वो टैटूइंग से उनका अंदर ये हेपेटाइटिस बी की सी अंदर में आया है और उससे बीमारी हुआ है। आपने तो कुछ एक्सपीरियंसेस डॉक्टर बत्रा बताया भी कि लोग आते हैं टैटू निकलवाने के लिए, वो ये टैटू कभी एक तो ये चाहत कि अब किसी तरह ये साफ हो जाए, अब ये शौक पूरा हो गया है जो दिमाग पर चढ़ा हुआ था कुछ दिन पहले, ये तो एक परेशानी है ही, लेकिन क्या सीरियस प्रॉब्लम्स को लीड किया है इस टैटू ने, ऐसे कुछ केसेस आपके पास आए? बिल्कुल, देखिए अक्सर लोग टैटू बनवा लेते हैं और उसके बाद जब उसे निजात पाना चाहते हैं तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं। हमने ये देखा है कि जिस तरह मैंने बताया कि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जो आप लिखा गया या बनवाया गया उससे निजात पाना चाहते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों ने बड़ी दो तीन दिन पहले टैटू बनवाया हो और उसके बाद उनको बर्निंग, इरिटेशन और स्वेलिंग हो जाती है, जिस तरह हमने अपने दर्शकों को पहले दिखाया। तो इसको हम एक्यूट इरिटेंट डर्मेटाइटिस या कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस कहते हैं, जिसके जितनी भी इंक्स यूज करी जाती है, जो कलरिंग एजेंट होती है, वो जब आपके बॉडी में आती है और उसके अंदर ऐसे केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि आपके बॉडी को सूट नहीं करते, तो वो आपको एक उसी वक्त एक रिएक्शन शुरू हो जाता है जिससे कि बहुत स्वेलिंग हो जाती है और टैटू जो कि आप एक सुंदरता के लिए बनवाने गए थे वो आपकी स्किन के ऊपर ना तो टैटू बनता है और साथ ही साथ आप बदसूरत बन जाते हैं। इसलिए अगर कोई टैटू बनवाना भी चाहता है तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट ये सलाह देते हैं कि एक टेस्ट पैच यानी कि एक छोटा सा टैटू या उसका एक थोड़ा सा पार्ट बनवाकर देखिए, अगर वो आपको बिल्कुल सूट करता है और उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो पूरा टैटू बनवा सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि टैटू बनवाना चाहिए, पर अगर आप बनवाना चाहते हैं तो कम से कम ये सावधानियां तो जरूर बरतें। शौक बड़ी चीज है, अगर जिनको शौक है तो उनको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि शौक को पूरा करने के चक्कर में कहीं वो इन बड़ी बीमारियों को दावत नहीं दे दें। तो इसमें आप ही की जिम्मेदारी बनती है, जैसा डॉक्टर साहब ने कुछ सलाह दी वो कि आप पहले चेक कर लें छोटा सा टैटू बनवा करके, किसी किस्म का इरिटेशन या स्वेलिंग तो आपको नहीं हो रही। दूसरी बड़ी चीज ये कि वो निडिल चेंज हुई है या नहीं हुई या स्टरलाइज हुई है नहीं हुई है, इसको चेक करना भी आपकी जिम्मेदारी। अदरवाइज जिन खतरनाक बीमारियों की हम बात कर रहे हैं वो आप तक पहुंचे, उनके वायरस, बैक्टीरिया आप तक पहुंचे, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं।